हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हमारा पिछले वीडियो में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एनोटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रैकर हमने कंप्लीट किया। वो सारे कवर हो गए हमारे। नेटवर्क लेयर के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि जो हमारे डिवाइस यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, वो राउटर्स हैं, L3 स्विचेस हैं, ये IP एड्रेस पे जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे कनेक्टेड हमारे स्विच होते हैं और हमारे पास एक वर्क स्टेशन होता है, ठीक है, और हम आइडेंटिफिकेशन के हर वर्क स्टेशन पे एक IP एड्रेस देते हैं जो हमें पब्लिक IP एड्रेस से मिला होता है, उसी के रेंज में IP एड्रेस देते हैं और उस IP के थ्रू हमारे डेटा एक पब्लिक IP पे कन्वर्ट होकर और हमें आगे फॉरवर्ड होती है। हमारी जो भी क्वेरी है, facebook.com है या gmail.com है, हम उस पर काम कर रहे थे, तो वो एक IP एड्रेस पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, हम उससे नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। मतलब हम राउटर में तो PC कनेक्ट नहीं कर सकते वर्क स्टेशन, है ना, तो वो हमारा कनेक्ट होता है स्विच पे, ठीक है, और स्विच हमारा L2 बेस है जो हमारे डाटा लिंक लेयर में आता है, जिसमें मैक, इथरनेट है, ट्रिपल पी है, HDLC है, फ्रेम रिले, MPLS, ठीक है। मैक, इथरनेट, ये आपका जो है मैक और इथरनेट जो है आपका, ये जो NIC कार्ड लगे होते हैं जिसे हम लैन कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, और जो ट्रिपल पी है ये पॉइंट टू पॉइंट इथरनेट होता है, और HDLC हाई डेटा लिंक कनेक्शन होता है जो फ्रेम रिले में यूज हो रहे थे। MPLS मल्टी लेवल प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विच, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड ये है जो कि हमारे क्लाउड पे काम कर रहा होता है, या फिर हम ये स्विच वहाँ यूज करते हैं जो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हमारे क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड किसको कहते हैं, जो कि हमारे मल्टीपल ISPs जो होते हैं, ठीक है, अब वहाँ से जो हमारा कनेक्टिविटी होता है वो MPLS पे होता है, ठीक है, और ये हमारे जो नेटवर्क एक्सेस हम जिस पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ये जो मैक एड्रेसिंग का काम करने का है प्रोसेस, वो डेटा लिंक लेयर का है, ठीक है। फिजिकल लेयर NIC केबल जो मैंने अभी आपको बताया, वही सारा कुछ है, और कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, इसमें बात कर ही चुके हम सारा कुछ। सो मैं इस वीडियो में इतने ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में IP एड्रेसिंग सीखेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। माजी नेटवर्क चैनल्स, ठीक है, हम आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे, माजी नेटवर्क के नाम से कुछ नहीं है। अगर आपको कोई और भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें वो बताएं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो मैं अपडेट कवर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।